Nahle bol. No. Welcome to our YouTube channel. No. No? Why no? So hello and good morning and welcome to my YouTube channel. तो गाइस आज है वेडनेसडे और आज अभी सुबह सुबह हम जा रहे हैं मंदिर पापा के साथ. हम लोग जा रहे हैं गणेश मंदिर, सामने ही है. लास्ट वेडनेसडे को भी हम लोग गए थे मंदिर में. और देखिए ये खाली यही डिस्टर्ब करती रहती है, खाली खोल देती है. तो मेरे और एक ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं गणेश मंदिर गई थी, तो आज फिर से मैं गणेश मंदिर जा रही हूँ. और आज साथ में बेबी को भी ले लिया है. अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और वो हाय बोल रही है आप सभी को. Say hi and welcome to my YouTube channel. So हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ. और अगर आप मेरे वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक. और ये बहुत ज़्यादा नोटी हो चुकी है. और देखिए मैंने जो आपको लास्ट ब्लॉग में कहा था ये बहुत नो नो कर रही है. तो क्यों नो कर रही हूँ बता दो. नो तो हमारा गणेश मंदिर में पूजा करना हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ. तो हम लोग अभी और एक जगह आए हैं. आज बेबी का वैक्सीनेशन था तो बेबी को लेके आए हैं वैक्सीनेशन के लिए. और आई होप बेबी नहीं रोए. पहले भी जब छोटी थी तो नहीं रोती थी. आज मैं कैमरे में वीडियो करके आप सभी को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आप सभी के साथ वो उसका रिएक्शन क्या होता है. तो बेबी का पहला इंजेक्शन लग रहा है. हमारी बेबी का रिएक्शन देखिए, एकदम नॉर्मल है. वो एकदम रोई भी नहीं और उफ तक नहीं की. हम लोग उसको मना कर रहे थे कि मत देखो, लेकिन उसको देखना था तो लास्ट में हम लोग ने भी बोला ठीक है देख लो. लेकिन फिर भी उसका रिएक्शन नॉर्मल ही है. तो वहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे आए हुए थे वैक्सीनेशन के लिए और मैं बेबी को वही दिखा रही थी, उसका माइंड डाइवर्ट कर रही थी कि देखो यहाँ पे जितने बच्चे हैं सभी इंजेक्शन लेने वाले हैं और कोई भी बच्चे रोने नहीं वाले हैं क्योंकि सभी बहुत स्ट्रांग हैं. और जब सेकंड टाइम इंजेक्शन लगता है तो मैं सोची कि इस बार तो शायद रो देगी, लेकिन नहीं, सेम ही रिएक्शन रहता है उसका. तो सच में गाइस मेरी बेबी की हिम्मत का दाद देना पड़ेगा, एकदम ही नहीं रोई. मैं खुद ही शॉक्ड हूँ. मुझे इंजेक्शन से डर लगता है लेकिन उसका रिएक्शन तो काबिले तारीफ है. लेकिन अभी और एक इंजेक्शन बाकी है तो चलिए देखते हैं क्या करती है. लेकिन एट लास्ट बेबी रो पड़ी. मतलब डॉक्टर ने भी कहा था कि उसको शायद लेग में पेन हो सकता है. कुरियर तो आ गया है, कुरियर फ्लिपकार्ट से. तो चलिए देखते हैं क्या है, क्या आया है कुरियर में. मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवा था दो ड्रेसेस बेबी के लिए, लेकिन ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए. वहाँ पे लिखा तो था कि 18 to 2 years, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए, इसलिए मैंने रिटर्न भी कर दिया. सो एवरीवन, दो दिन से मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद से बेबी का तबीयत खराब हो गया था. मैंने देखा होगा 3 इंजेक्शन लगी है, 2 हाथ पे और 1 leg पे. तो जो दोनों हाथों में लगी है उस टाइम तो उसका रिएक्शन भी नहीं था, वो रोई भी नहीं थी. लेकिन जो लेग में लगा था उसको थोड़ा सा पेन हो रहा था. आके तो एकदम नॉर्मल थी, लेकिन थोड़े देर के बाद से मतलब धीरे धीरे से ज़्यादा बढ़ रहा था. इवनिंग के टाइम में उसको थोड़ा सा रियलाइज हुआ.
तो वो पैर इतना ज़्यादा नहीं उठा पा रही थी, थोड़ा बहुत चल पा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद से उसका मतलब लेग का पेन और ज़्यादा होने लगा, तो वो चल भी नहीं पा रही थी फिर, तो इसलिए वो मतलब थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी, इसलिए उसका बहुत देखभाल रखना पड़ा, तो इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू कर नहीं कर पाई। फिर वो रात तो कैसे करके भी वो उसने मतलब गुजार लिया, पेन बहुत पेन हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे फिर से मॉर्निंग को भी पेन था, आफ्टरनून तक था आपका पेन थोड़ा बहुत, फिर शाम होते होते वो थोड़ा बहुत चल पा रही थी। तो आज फिर से मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी है आफ्टरनून का टाइम और बेबी अभी सो रही है, तो जब सो के उठेगी तो हम लोग थोड़ा सा शॉप में जाएंगे, उसके लिए बैलून्स लेके आएंगे क्योंकि उसको बैलून्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसका थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ मैं इवनिंग को। और हम शॉप पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ बेबीज के खिलौने ही भरे पड़े हैं, और बेबी अपने लिए भी कुछ खिलौने देख रही है उसको क्या पसंद आता है, और बैलून्स भी लेंगे हम लोग। बाबू क्या कर रही है, क्या कर रही है, इधर देख, इधर देख, आओ देखिए बैलून का क्या की मनी दिम किन्तु बैलून के था हमारी बेबी का एक्टिंग देखिए, एक्टिंग करके दिखाओ कुछ, तुम कैसे करके सोती हो, केनका कोड़ी हुआ दिखा दे, तुम केनका मारा तुम, ओ अच्छा, और केनका कोड़ी कांडू दिया, कैसे रोती हो तुम, कैसे करके रोती हो, ओ ऐसे रो, ओ और हम लोग के घर का लाइट कैसे करते हैं, लाइट 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 तो केनका कोड़ी दिखा दे, इफल सा इफल सा। सो एवरीवन आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ मेरे और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा 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 बाय बाय, तो मिलते हैं हमारे और एक ब्लॉग में। 2 बेबी आज मुझे रेडी करवा रही है, देखिए इयररिंग पहना दे रही है ना बेटा, छोना तो पहना दो, देर किस बात की, उसने खोल दिया मेरा रिंग।